पावन एंड श्रेया, यू आर अ न्यू स्टूडेंट, सो वेलकम टू माय क्लास. आज हम इंटीजर्स के बारे में वापस पूरा रिवीजन करेंगे कि इंटीजर्स क्या हैं, इंटीजर्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है. डिवीजन आप लोगों ने दोनों ने लास्ट सेशन में पढ़ लिया था, ठीक है. तो यहाँ पे मैं आज कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी ऑन बेस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन. तो वहाँ से आपको इंटीजर्स के जो ऑपरेशंस हैं, जैसे ऐड कैसे करते हैं दो या दो से तीन इंटीजर्स को, उनका सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, ये सब क्लियर होगा. इज दैट ओके? वेन एवर आई आस्क यू इज दैट ओके, देन प्लीज रेज योर हैंड. आप अपने ऑप्शंस में जाइए एंड रेज योर हैंड कीजिए, ठीक है. मैं बार बार आपको ये नहीं बोलूँगी कि अपना वीडियो ऑन कीजिए, अपना माइक्रोफोन अनम्यूट कीजिए, बिकॉज इस ये बार बार करना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है. ओके, अपना जब तक मैं ना बोलूँ अपना वीडियो अपना फ़ोन दोनों बंद रखेंगे. फर्स्ट कंडीशन इज दैट. सेकेंड इज वेन एवर आई आस्क यू, समझ में आया, इज दैट ओके, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, देन रेज योर हैंड. ओके, अपने ऑप्शंस में जाइए एंड रेज योर हैंड, तो मुझे समझ में आएगा कि आपको क्लियरली समझ में आ गया. ओके ओके, सो आई थिंक फातिमा इज नॉट देयर. जब तक फातिमा आती है मैं कुछ अपना एक इंट्रोडक्शन शुरू करती हूँ, ठीक है. सो श्रेया एंड पावन, लेट मी इंट्रोड्यूस व्हाट इज इंटीजर्स. अगेन आई रिपीट, व्हाट इज इंटीजर्स. इंटीजर्स क्या होते हैं? सो ऑन द नंबर लाइन, मैंने यहां पे एक नंबर लाइन ड्रॉ करी है. सेंटर पॉइंट पे जीरो, ये शॉर्टकट फॉर्म है यहां पर नंबर लाइन पर कैसे इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं. ऑन द नंबर लाइन सेंटर में आ गया जीरो, जीरो के राइट हैंड साइड पे, आप जीरो के राइट हैंड साइड पे जाते हो, राइट साइड पे, तो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स मिलते हैं. ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स लाइक वन टू थ्री फोर फाइव एंड इंफिनिटी, कितने भी नंबर हो सकते हैं, लेकिन जीरो के राइट हैंड साइड पर सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं. जीरो के लेफ्ट हैंड साइड पर LHS, ऑल नेगेटिव इंटीजर्स, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर एंड सो ऑन. सो बेसिकली इंटीजर्स क्या होते हैं? द कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो. द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग जीरो इज कॉल्ड इंटीजर्स. इज दैट ओके? ओके, सो नेक्स्ट इज एडिशन कैसे करते हैं. जब भी आपको दो इंटीजर्स गिवन हो, वो इंटीजर्स पहली कंडीशन या तो दोनों इंटीजर्स पॉजिटिव हो, बोथ इंटीजर्स आर पॉजिटिव, यानी कि अगर मैं कहूं मैं आपको दो नंबर दू, 11 प्लस 9, मैं कहूं 11 और 9 को ऐड कीजिए, तो 11 क्या है? एक पॉजिटिव नंबर. 9 क्या है? एक पॉजिटिव नंबर. सो सिंपल, इन दोनों का एडिशन हो जाएगा 20. 20 भी क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर. कहने का मतलब है कि जब भी आप किसी दो पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड करते हो तो उनका जो सम आता है या उनकी जो भी वैल्यू आती है वो भी एक पॉजिटिव इंटीजर होगी, ठीक है. दैट इज द फर्स्ट कंडीशन इन केस ऑफ एडिशन. सेकेंड केस, बोथ इंटीजर्स आर नेगेटिव. अगर मैं कहूं दो नेगेटिव इंटीजर्स का एडिशन करना है, लाइक एड माइनस टू प्लस माइनस फाइव,
आपके पास दो नेगेटिव इंटीजर्स हैं -2 -5, इन दोनों को आपको क्या करना है, ऐड करना है. सो द आंसर इज -7. व्हाई -7? देखो एडिशन तो हो गई, 2 + 5 = 7, सिंबल आपका आएगा -7 का, ठीक है. सो रिमेंबर दैट व्हेनेवर यू ऐड टू नेगेटिव इंटीजर्स, जब भी आप किसी दो नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करते हो तो जो वैल्यू या जो तो आंसर आपको गेट होता है, जो आंसर आपको मिलता है वो एक नेगेटिव इंटीजर होगा. इज दैट ओके? मैक्सिमम प्रॉब्लम यही होती है जब भी आप किन्हीं भी दो नंबर को ऐड करो, -100 एंड -2, क्या हो जाएगा, माइनस का 102. मैं कहूँ 1000 माइनस का 1000 और उसको ऐड कीजिए -4 से, द आंसर इज -1004. ओके, जब भी आप किसी दो नेगेटिव नंबर को ऐड करते हैं तो उनका जो आंसर होता है वो भी एक नेगेटिव इंटीजर होता है. इज दैट ओके? ओके, गुड. थर्ड कंडीशन इज एक नेगेटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर. एक नेगेटिव इंटीजर का एडिशन आप एक पॉजिटिव इंटीजर के साथ करते हैं. द थर्ड कंडीशन इज जब आप किसी एक नेगेटिव नंबर को एक पॉजिटिव इंटीजर के साथ ऐड करते हैं, लाइक -7 + 2. -7 आपका एक नेगेटिव इंटीजर है, उसका एडिशन करना है एक पॉजिटिव इंटीजर 2 से. सो रिमेंबर दैट जब भी माइनस प्लस होता है तो उन दोनों के बीच सब्ट्रैक्शन होगा. दैट मींस कि -7 + 2, माइनस प्लस इज ऑलवेज माइनस, ठीक है. -7 + 2 द आंसर इज -5. अब यहां पर ध्यान से देखना, -7 + 2 है और सेकेंड कंडीशन मैं ले लू, अगर मैं 7 पॉजिटिव लू प्लस 2 में नेगेटिव लू. दो कंडीशन है यहाँ पर. पहले कंडीशन में मैंने लिया है -7 + 2, दूसरे कंडीशन में मैंने 7 को पॉजिटिव ले लिया और 2 को नेगेटिव ले लिया, ठीक है, उसके अपोजिट कर दिया. तो यहाँ पर आंसर आया -7 + 2 - 5, बिकॉज प्लस माइनस इज ऑलवेज माइनस. 7 में से 2 गया तो 5 आएगा, ठीक है. लेकिन यहाँ पे माइनस क्यों आया, तो जो भी नंबर बड़ा होता है, जैसे कि 7 इज अ बिगर नंबर, सो उसका जो सिंबल है वो यहाँ पे आएगा, उसका जो साइन है वो यहाँ पे आएगा, ठीक है. -7, आप देखिए 2 छोटा होता है और 7 बड़ा होता है, ठीक है. 2 छोटा होता है, 7 बड़ा होता है. सो मैं 2 - 7 कर रही हूँ. यस, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, आप फिर से बोलिए. यस, किसका आंसर? हाँ, सेकेंड का तो -7 आंसर है. सेकेंड का आंसर है -7. ये तो क्लियर हो गया, जब भी दो नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड किया जाता है तो उनका आंसर एक नेगेटिव इंटीजर आता है. सो -2 - 5 - 7, मैं बात कर रही हूँ जब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर की, ठीक है. उसमें भी दो केस हैं, -7 + 2 - 7, यानी कि अगर आपको ऐसे बोला जाए 2 - 7, कहने का मतलब क्या है, 2 पॉजिटिव है और 7 नेगेटिव है. दो में से, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाना है तो सब्ट्रैक्शन तो होगा, 2 में से 7 जाएगा, 7 में से 2 जाएगा, आंसर तो 5 ही आएगा. लेकिन जब आप छोटे में से बड़े को घटाते हैं तो आंसर नेगेटिव आता है. कहने का मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ, यहाँ पे 2 - 7 हो रहा है तो हो तो सब्ट्रैक्शन ही रहा है, 2 - 7 = 5, लेकिन आंसर नेगेटिव आएगा, माइनस का 5. अब यहाँ पे देखो, 7 बड़ा है, 7 इज पॉजिटिव, 2 छोटा है, 7 - 2. अब कंडीशन क्या हो गई, 7 - 2 की, बड़े में से छोटे को घटाना है तो ऑब्वियसली आंसर पॉजिटिव आएगा. सो 7 - 2 = 5.
ये चीजें समझ में आई? देखिए ये प्लस माइनस बहुत बारीकी से करना होगा, बिकॉज यहां से स्टार्ट हो रहा है, एंड ऑफ द बुक चलेगा। अभी मैं यहाँ क्लियर कर रही हूँ, बार बार जब मैं आगे पढ़ाऊंगी वहां पे मैं अगेन एंड अगेन रिपीट नहीं कर पाऊंगी कि यहाँ पे प्लस माइनस हुआ इसलिए माइनस क्यों आया। ठीक है, दो चीजें याद रखनी है, जब भी छोटी संख्या में से बड़े, जब भी छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस करते हैं तो आंसर नेगेटिव आता है, जब बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं तो आंसर पॉजिटिव आता है। इज दैट क्लियर? ओके, आगे बढ़े। अच्छा मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, सॉल्व करो इसे। एड माइनस 21 माइनस 60 एंड 200। क्वेश्चन इज दैट आपको इन तीनों नंबर को ऐड करना है, माइनस 21 माइनस 60 एंड 200। सबसे पहले ये देखिए कि इनमें से नेगेटिव और पॉजिटिव कौन सा है। ये दोनों नंबर क्या है? नेगेटिव इंटीजर। 200 क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, माइनस 21 प्लस माइनस 60 प्लस 200। ठीक है, सेकेंड स्टेप, माइनस माइनस ऑलवेज प्लस, लेकिन रिजल्ट माइनस पे आएगा। माइनस माइनस ऑलवेज प्लस, जब भी दो नेगेटिव इंटीजर को ऐड किया जाता है तो आंसर भी एक नेगेटिव इंटीजर आता है। सो माइनस 21 एंड 60 कितना हो गया? माइनस का 81। ठीक है, प्लस 200। नेक्स्ट स्टेप, इन दोनों का एडिशन, माइनस 81 प्लस 200। अब यहां पे देखो 200 बड़ा है, 81 छोटा है, दैट मींस मैं इसको लिख सकती हूँ 200 माइनस 81। पॉजिटिव नंबर को आगे ले आओ, 200 में से माइनस 81 कितना हो जाएगा? गुड। और अगर मैं इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ रही हूं, अगर मैं 200 को भी माइनस का ले लू, तीनों इंटीजर्स में माइनस के ले लू, आई रिपीट, तीनों इंटीजर्स में माइनस के ले लू, यानी कि तीनों इंटीजर्स नेगेटिव ले लू, तो क्या होगा? ये तो हो गया माइनस 81, आगे लगा दो 200 के नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव 200, अब क्या होगा? प्लस माइनस ऑलवेज, माइनस का 81 प्लस माइनस 200, ब्रैकेट खोलूंगी, माइनस का 81 प्लस माइनस ऑलवेज माइनस प्लस माइनस ऑलवेज माइनस 200। अब देखो माइनस का 81 माइनस का 200 क्या हो जाएगा? माइनस का 281, दोनों का एडिशन, विच इज अ नेगेटिव इंटीजर। ओके, ये हो गया तीन नेगेटिव इंटीजर्स को जब ऐड किया जाता है। दिस इज ओके। ओके गुड। फातिमा आर यू देयर? Now subtract.
सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन इज -62 को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 82 से. क्वेश्चन इज दैट -62 को सब्ट्रैक्ट करना है 82 में से. अब यहां पर जनरली कंफ्यूजन होता है किस में से किसको माइनस करना है. ठीक है, जनरली डाउट यही होता है कि कौन सी नंबर में से कौन से नंबर को माइनस करना है. तो फ्रॉम का मतलब होता है में से, मतलब कि आगे वाले नंबर को पीछे वाले नंबर में से माइनस करना है. ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 82 माइनस माइनस का 62. इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन नहीं स्टेटमेंट क्या बन जाएगा, 82 में से माइनस करना है इस नंबर को. नंबर क्या था, माइनस का 62. ब्रैकेट खोलोगे, 82 माइनस माइनस ऑलवेज प्लस, माइनस माइनस ऑलवेज प्लस 62. आंसर इज 144. क्लियर है, समझ में आया ये सब्ट्रैक्शन? दिशा पावन, श्रेया पावन, ओके, फातिमा आर यू देयर? फातिमा आई थिंक यू हैव अ नेटवर्क इश्यू, आई कांट लिसन यू. मूव फॉरवर्ड, माइनस का 118 फ्रॉम माइनस का 215. क्वेश्चन इज दैट माइनस 118 को सब्ट्रैक्ट करना है माइनस 215 में से. चलो करिए ये वाला, करके मुझे बताइए क्विकली, इस सब्ट्रैक्शन को करके बताइए. स्टेटमेंट हो जाएगा माइनस का 215 में से माइनस करना है माइनस का 118. इसका सॉल्यूशन बताइए. माइनस 10 आई कांट लिसन यू, क्या बोल रहे हो? थ्री ट्वेंटी थ्री रॉन्ग. एनी वन एल्स? पावन, श्रेया, आंसर तो 107 राइट है, लेकिन नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव. वेरी गुड, नेगेटिव. क्यों आया नेगेटिव? माइनस प्लस माइनस होता है, लेकिन 215 इज ग्रेटर देन 118, और मैंने बताया था जो नंबर बड़ा हो. यहां कहने का मतलब यह है कि 118 में से माइनस करना है 215 को, छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस कर रहे हो, इसलिए आंसर क्या आया, नेगेटिव. प्रीत, इज दैट क्लियर? ओके, फातिमा, इज दैट क्लियर? ओके, गुड.
क्वेश्चन है a माइनस 28, b इज 14, c इज माइनस 17, देन आपको चेक करना है कि इसका RHS a प्लस बी उसके RHS b प्लस a के इक्वल है या नहीं। ठीक है, क्वेश्चन सबको समझ में आया। a, b और c तीन वैल्यू आपको गिवन है, आपको चेक करना है कि दोनों स्टेटमेंट a प्लस बी और b प्लस a इक्वल है या नहीं। कैसे करोगे? सबसे पहले LHS ले लो, a प्लस बी, a की वैल्यू माइनस 28 प्लस b की वैल्यू 14 इक्वल टू b की वैल्यू 14 प्लस a की वैल्यू माइनस 28। ये दोनों चीजें मैंने लिख दी है, ठीक है, a प्लस बी और b प्लस a। अब दोनों को सॉल्व करके बताइए कि क्या दोनों एक दूसरे के इक्वल है या नहीं। सॉल्व कीजिए। इक्वल है, क्यों हो गया? देखो यहाँ पे माइनस 28 प्लस 14, 14 में से 28 को माइनस करना है, माइनस का 2, और यहाँ पे भी क्या हो रहा है, 28, 14 में से 28 को माइनस करना है, तो माइनस का 2। ठीक है, दोनों क्या आ गए, माइनस 2 माइनस 2। सो द स्टेटमेंट इज ट्रू, a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। यहाँ पे लिख देना LHS इक्वल्स टू RHS, hence proved। यहाँ पे लिख देना LHS equals to RHS, hence proved, proved हो चुका है। ठीक है, second statement आपको देखना है, आपको चेक करना है b माइनस सी इज डज नॉट इक्वल टू c माइनस बी, मतलब कि b माइनस सी c माइनस बी के इक्वल नहीं है, ये आपको चेक करना है। ठीक है, चेक कीजिए, b और c की वैल्यू रखिए दोनों जगह और इसको चेक कीजिए, दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं तो आपका स्टेटमेंट राइट है। ठीक है, चेक कीजिए दोनों। हो गया, किया सॉल्व। एनीबॉडी, किसने सॉल्व किया खुद से? प्रीत, पावन, श्रेया, फातिमा, टर्न ऑन योर वीडियो, सब अपना वीडियो ऑन कीजिए। किया? अगर कर लिया है और आंसर ये आ रहा है तो मुझे थम्स अप शो कीजिए। ओके गुड, व्हाट अबाउट श्रेया एंड पावन, सॉल्व किया?
ओके करो।